भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का पुतला जलाया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि संदेश खाली में विभत्स घटना हुई है, वहां 50 से अधिक महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया है। टीएमसी नेता शाजा शेख इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, वहां जनजाति समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम भी कर रहा है। भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में शाहजहां शेख नाम का एनडीए का कार्यकर्ता है और वो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर मुख्यमंत्री भी हमारी एक महिला ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की आंखों के सामने महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और उसी मांग को लेकर आज हम लोग सड़कों पर आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है, और एक प्रदेश जहां पर महिला सीएम है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यह अत्याचार तत्काल बंद होना चाहिए। हम लोग राष्ट्रपति के नाम से आज ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति तक भेजेंगे कि ऐसे प्रदेश में तत्काल सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये संदेश खाली में जिस प्रकार से महिलाओं पर बर्बरता हो रही है और ममता बनर्जी चुप है, कांग्रेस चुप है। ममता बनर्जी, आप तो महिला मुख्यमंत्री, आपको अपने महिला मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं पर बर्बरता हो रही है और आरोपी पे कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। किस प्रकार की राजनीति हो रही है? कांग्रेस चुप है, मौन है, कुछ नहीं कह रही है। इसलिए आज प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं कि ममता बनर्जी कार्रवाई करिए वरना इस्तीफा दीजिए। बीजेपी तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में ही खड़ी रहती, कांग्रेस ने क्या करा? और लगातार देश में कभी भी आप देखिए, कांग्रेस हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, हमेशा महिलाओं के खिलाफ काम करते, महिलाओं पर आक्रमण करते, महिला के खिलाफ बोलते, और खुद भी महिला मुख्यमंत्री है, तो आपको तो आगे बढ़कर महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।